हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है IGS इंजीनियर चैलेंज। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोई भी BBS जो बनाते हैं उसमें कोई भी शेप जो डालते हैं उसमें अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मेंशन में हम कर देते हैं तो वो चीज़ फार्मूला बार में एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको ईजिली बताऊँगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मान लीजिए जैसे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं मर्ज कर दिया एंड देन इंसर्ट में गया, शेप लिया, रेक्टेंगल लिया और मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, आप जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं टेक्स्ट बॉक्स में जाके, सपोज 5, 6, एंड अगेन टेस्ट बॉक्स 2, 3, एंड अगेन जैसे कि आपने देखिए मैं 3 वैल्यू पुट कर दिया। अगर इसमें मैं कोई भी फार्मूला लगाता हूँ, सपोज इस रो में जैसे मैंने ऑटो सम ले लिया, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ये ढेर प्रॉब्लम दिस फार्मूला। तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए कोई भी BBS बना रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंपली सेम ऐसे ही बॉक्स लीजिए, ठीक है, ऐसे बॉक्स लीजिए और एक यहाँ पे जाइए, देखिए पेंट का ब्रश दिख रहा है, फिल कलर इसको वाइट कलर कर दीजिए, ठीक है, आप सिंपली वाइट कर दिए। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, फिर से इंसर्ट लीजिए एंड देन शेप लीजिए अपना जो भी लेना है, मैं तो यही ले रहा हूँ रेक्टेंगल भी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 4, 5 हो गया, ठीक है, 5, 6 हो गया, फोर फाइव हो गया, 5, 6 हो गया, इसको सेंटर में कर दीजिए हर कोई, अपने अनुसार जैसे जहाँ भी सेट करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने कर लिया। अब इसको आप इसमें न्यूमेरिकल इसमें फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप ये सिंपली क्लिक कीजिए, हो गया। जैसे आपने ये रो सिलेक्ट किया, ऐड कर किया, ये सिलेक्ट किया, ऐड किया एंड ये सिलेक्ट किया एंड अगेन ऐड किया एंड ये सिलेक्ट किया और कुछ ने इंटर कर दिया, आपका ये आ गया, ठीक है। तो सिंपली आप कोई भी BBS का अगर आप कोई भी शेप बनाते हैं तो आप इस तरह अगर शेप बना के वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फार्मूला बार में एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज हमेशा वही प्रॉब्लम शो करेगा। सो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में, आपके लिए मैं नया नया वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं, मैं उस आपके लिए उससे बेहतर सोल्यूशन दूँगा, ठीक है, धन्यवाद।